की एक अनबॉक्सिंग और एक हैंड्स ऑन यहां पर देने वाला हूं। और दोस्तों कल इंडिया में Realme ने धमाका कर दिया था, Realme 5, Realme 5 Pro दोनों लॉन्च कर दिया था। आप Realme 5 Pro की तो आपने मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग तो देख ही लिया होगा। आज मैं आपको Realme 5 के बारे में बताऊंगा। ये वैसे तीन अलग अलग आपको वेरियंट्स में मिलता है। 332 का जो बेस वेरियंट वो आपको 10,000 में मिलता है, जी हाँ। उसके बाद 464 आपको 11,000 का मिलता है और एक 4128 सिर्फ 12,000 का मिलता है, जी हाँ। स्नैपड्रैगन 665 क्वाड कैमरास, 5000 एमएच की बैटरी। ये फोन दोस्तों 10,000 की रेंज का एकदम से किलर स्मार्टफोन है। ये वीडियो आप देखते रहिए, मैं आप लोग को इस वीडियो में Realme 5 की सारी जानकारी यहां पर दे देता हूं। तो यहां पे दोस्तों बॉक्स देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। सामने Realme 5 लिखा है, नीचे देखेंगे 5000 एमएच बैटरी, क्वाड कैमरा और फोन की डिजाइन देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। इस बार कुछ अलग तरीके की आपको डिजाइन मिलेगी। पीछे की तरफ देखेंगे यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे पास जो कलर है वो क्रिस्टल ब्लू है, वैसे आपको एक और पर्पल कलर मिलेगा और फ्यूचर में आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। और जो हमारे पास वेरिएंट है वो 4GB रैम 128GB वाला है, ये सबसे हायर वेरिएंट है। और यही कुछ बॉक्स दोस्तों, फटाफट से बॉक्स ओपन करते हैं, उससे पहले मैं आपको उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दे देता हूं। यहां पर वैसे आपको दोस्तों 6.5 इंच की HD प्लस की यहां पर जो वो डिस्प्ले मिलती है, ये आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में मिलती है। IPS डिस्प्ले वाटरड्रॉप नॉच के साथ में मिलती है और यहां पर दोस्तों Realme 3 से आपको काफी बड़ी साइज वाली डिस्प्ले मिल रही है। अब इसमें फायदा ये है कि दोस्तों आपको जो वीडियो एक्सपीरियंस होगा वो और भी अच्छा होगा और जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी आपको वैसे काफी बढ़िया मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है अंडर 10,000 की रेंज में वो काफी बड़ा है, तो इस बार आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। उसके अलावा यहां पर Qualcomm Snapdragon 665 वाला आपको जो वो प्रोसेसर मिल रहा है, अभी इंडिया में खाली दो ही ऐसे फोन है जिसमें आपको ये वाला प्रोसेसर मिल रहा है। इसको मिला के ये 11nm पर है दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है आप इसको Snapdragon 660 और 675 का बीच वाला बोल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें PUBG खेला था, इसके अंदर मैंने Asphalt 9 खेला, मुझे कोई इशू नहीं आया था। तो अगर आप चाहे तो आप इसमें हाई एंड गेम्स भी यहां पर जो वो खेल सकते हैं, उस मामले में आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों उसकी जो मेन हाईलाइटिंग फीचर वो ये कि आपको क्वाड कैमरास यहां पर इस फोन में मिलते हैं। अंडर 10,000 रेंज का स्मार्टफोन दोस्तों, 4 कैमरे से आपको 12 MP का प्राइमरी मिलता है, 1.8 का आपको एपर्चर मिलता है और अच्छी बात ये दोस्तों कि आपको 4K वीडियो भी यहां पर शूट करने मिलता है। जी हां, 4K वीडियो भी आप यहां पर शूट कर सकते हैं। उसके अलावा 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, 2 MP का डेप्थ है, लेकिन एक और 2 MP वाला आपको कैमरा मिलता है जिसमें आपको मैक्रो शॉट्स लेने मिलते हैं। जी हां, आप मैक्रो शॉट्स भी यहां पर ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपको रियर कैमरे का सेटअप यहां पर मिलता है। 13 MP की आपको वही सेम सेल्फी मिलती है जो Realme 3 में थी, F2.0 का अपर्चर, पोर्ट्रेट ब्यूटी, आपको सब कुछ यहां पर मिलता है, लेकिन कैमरे की क्वालिटी सेल्फी की इस बार उन्होंने थोड़ी सी इंप्रूव करी है, वो आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जी हां, Realme 3 से भी यहां पर बैटरी में भी उन्होंने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट करी, तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो अब यहां पर बैटरी आपकी बहुत ही अच्छी चलने वाली है। तो दोस्तों ये है इसके कंप्लीट स्पेक्स। आप फटाफट से बॉक्स को ओपन करते, वैसे तो मैंने ओपन कर दिया था। सबसे पहले आप देखेंगे आपको कुछ यहां पर एक बैक केस देखने को मिल रहा है जो कुछ इस तरीके का है, हल्का पुल्का सा, और उसके अलावा कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन यहां पर मिलते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ, जो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का है। और यहां पर ये देखेंगे दोस्तों, अब आपको बहुत ही ब्यूटीफुल जो वो डिजाइन इस बार देखने को मिलती है। हालांकि यहां पर ग्लॉसी बैक है और साथ में उन्होंने आपको डायमंड फिनिशिंग भी जो वो दी है, जो बहुत ही कमाल का लगता है दोस्तों इस तरीके का है। हालांकि ये भी आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, कोई ग्लास बैक नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे आपको कर्व्ड एजेस भी यहां पर जो वो देखने को मिलते हैं। तो डिजाइन दोस्तों आपको वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं उसमें अगर आप ब्लैक और व्हाइट कलर लेके आएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे दोस्तों ये इतना हल्का नहीं है, इतना स्लिम नहीं है, ये आपको 198 ग्राम्स पर मिलता है, जी हां, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी और साथ में 9.3 mm की थिकनेस पर मिलता है, तो काफी बड़ा सा, काफी बल्कि सा आपको ये फोन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं, देखते हैं आपको और बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे आपको माइक्रो USB केबल मिलता है कुछ इस तरीके का है। और यहां पर अगर मैं चार्जर की बात करूं दोस्तों, तो ये कोई फास्ट चार्जर नहीं बल्कि आपको स्टैंडर्ड सा 5V 2A वाला जो वो चार्जर मिलता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। जी हां, आपको यहां पर फास्ट चार्जर नहीं मिलता है। तो ये दोस्तों इसके कुछ बॉक्स कंटेंट। हम फटाफट से यहां पर आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो यहां पर दोस्तों आते हैं हमारे फोन की तरफ, बूट करूं उससे पहले मैं आपको फिजिकल दे देता हूं। नीचे देखेंगे आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, आपको माइक होल, माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर आउटपुट मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज मिलती है, ऊपर आपको सिम ट्रे मिलता है जहां पर आपको 2 SIM कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट भी मिलता है, तो अच्छी बात है। राइट साइड में आपको पावर बटन मिलता है और ऊपर की तरफ आपको यहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। अब यहां पर दोस्तों हमने हमारे जो फोन को बूट कर दिया और आप देखेंगे आपको कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस यहां पर इंटरफेस में जो देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अब इस बार आइकॉन्स को जो थोड़े से मॉडिफाइड किए, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। और अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल देखा तो आप देखेंगे यहां पर जो पहले स्क्वायर शेप थे, अब उन्होंने इसको थोड़ा सा सर्कुलर कर दिया है। तो थोड़े बहुत उन्होंने UI में चेंजेस किए, लेकिन आपको यहां पर दोस्तों Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और ये भी आपको कलर OS पर ही मिलता है, जी हां, कलर OS 6 चल रहा है। अब मुझे नहीं पता इसमें फ्यूचर में Realme OS कितना जल्दी आएगा, लेकिन हां, आपको इसमें भी बहुत जल्दी Realme OS देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहां पर दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों मिलता है, तो हमें पता है बहुत फास्ट रहता है। आप देखेंगे Realme के फोन्स के फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक बार और दिखा देता हूं,
बहुत ज्यादा फास्ट है, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये दोनों चीजें आपको वैसे काफी फास्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके ना वाइडबैंड सपोर्ट की, तो अभी फिलहाल के लिए वाइडबैंड L3 है, तो आपको वाइडबैंड L1 फ्यूचर में अपडेट में मिल जाएगा। वैसे गूगल कैमरे का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, तो अगर आप चाहे तो फ्यूचर में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सार वैल्यू की बात करो आप देखेंगे तो हेड के लिए 1.180 वॉट्स पर किलोग्राम है और बॉडी के लिए 0.631 है। तो जी हाँ, सार वैल्यू आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं बात करता हूँ इस फोन के कैमरे की, जो आप देखेंगे इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, टिपिकल Realme ColorOS वाला इंटरफेस है। और आप देखेंगे आपको बहुत सारे फीचर्स यहां पर मिलते हैं, ऊपर देखेंगे आपको क्रोमा बूस्ट है, HDR है, वाइड एंगल है, और नीचे बहुत सारी चीजें यहां पर मिल जाती है। एक मेन्यू छोटा सा जिसमें मैक्रो शॉट्स लेना है तो यहां से आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है दोस्तों। वो फ्यूचर में डेडिकेटेड कैमरा वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें जरूर से देख लेना। अभी दोस्तों स्क्रीन पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं वैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको यहां पर जो कैमरे की देखने को मिलती है, कंसीडरिंग एक 10,000 की रेंज वाला स्मार्टफोन है। आप रियर में देखेंगे मैंने आपको कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स दिखाया, उसके अलावा आप देखेंगे नॉर्मल शॉट्स भी आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं, कलर्स भी वैसे काफी डिसेंट है, और हाँ मैक्रो शॉट्स भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज आपको यहाँ पर मिलती है। वाइड एंगल शॉट्स है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर रियर कैमरे से मिलती है, थोड़ा बहुत और इंप्रूव करते हैं लोग तो और भी ज्यादा मजा आता है। वैसे सेल्फी की बात करें तो 13 मेगापिक्सल की टिपिकल Realme 3 वाली सेल्फी तो कुछ इस तरीके की आप देखेंगे क्वालिटी है, सेल्फी वैसे आपको अच्छी मिलती है, एज डिटेक्शन में कभी कभी थोड़ा बहुत मार खा जाता है, उसके अलावा तो वैसे आपको सेल्फी यहाँ पर काफी बढ़िया मिलती है। मैंने जैसे कि कहा थोड़ा बहुत और इंप्रूव की यहाँ पर उसको जरूरत है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन की बात करो तो Realme 5 वैसे बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आपको मिलता है, अंडर 10,000 की रेंज में काफी सारे आपको नए फीचर्स इस फोन में मिलते हैं, और अगर आप इसको Realme 3 से कंपेयर करते हैं दोस्तों तो उन्होंने बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया है, जो मुझे यहां पर वैसे काफी पसंद आया। बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस दोस्तों फ्यूचर में बनाएंगे, काफी सारी चीजें करेंगे। वैसे आप क्या चाहते हैं इस फोन के बारे में फ्यूचर में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है इस फोन के बारे में दोस्तों, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं फ्यूचर में आप लोग ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। One.